एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमला करके दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कश्मीर की बेटियां वर्दी पहनकर आतंकी बात करने वालों को करारा जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए कश्मीर की बेटियों में इतना जोश दिखा कि 1300 पदों के लिए लगभग 20,000 आवेदन आ गए और बड़ी संख्या में लड़कियां फिजिकल टेस्ट के लिए पहुंची हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वर्दी पहनकर बेटियां बनेंगी अब कश्मीर की शक्ति, कश्मीर की रक्षक, आतंक से डर नहीं और देश सेवा में जुटने का ये साहस। ये बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है। कश्मीर में आतंक के खिलाफ ये दुर्गा शक्ति दिख रही है, जिसमें वर्दी पहनकर ये महिलाएं कश्मीर की रक्षक बनना चाहती हैं। आतंक का कोई डर नहीं है, बल्कि आतंक का खात्मा करने के लिए आगे आई हैं। इस जज्बे को सलाम करना चाहिए। शाबाश हो गया, शाबाश। जब बंदा यूनिफॉर्म पहनेगा तो तभी तो थोड़ा सा प्राउड खुद में फील होगा, जब प्राउड फील होगा तो फिर ऐसा दिल में लगेगा कि मैं भी कुछ करूंगी देश के लिए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज सर कि मुझे ये मतलब मैं यहाँ आई और मैंने ये किया। मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी, मैं बहुत कुछ करूँगी अपने देश के लिए। घाटी में आतंक के खिलाफ दुर्गा शक्ति। आतंक को बेटियों का मुंह तोड़ जवाब। नहीं, डर तो क्या ही है, डर भी है बट हमें अंदर से जज्बा भी, हम ये सब करना चाहते हैं। वर्दी पहनकर बेटियां बनेंगी कश्मीर की रक्षक। बड़ी खुशी हुई है ये देखकर कि कश्मीर की गर्ल्स भी नेशन के लिए कुछ करना चाहती हैं। जब वक्त बदलता है तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। नया कश्मीर भी बदले वक्त में नई कहानी लिखने को तैयार है। जो बेटियां घरों की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती थी, आज वो घरों से बाहर निकल रही हैं और वर्दी पहनने के लिए जी जान से जुटी हैं। ये बेटियां हार तोड़ मेहनत करके पसीना बहा रही हैं। ये बेटियां जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनने के लिए हर मुश्किल परीक्षा पास करना चाहती हैं। कश्मीर की ये सभी बेटियां यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला बटालियन में भर्ती होने का सपना लेकर आई हैं। इन सभी का सपना वर्दी पहनकर देश की सेवा करना है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया के शुरुआत के साथ ही कश्मीर में लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कई वर्ष पहले जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए दो महिला बटालियन का गठन किया गया था, अब उसकी भर्ती शुरू कर दी गई है। और पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इन दो महिला बटालियंस में लगभग 1300 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख कारगिल सहित करीबन 18,000 से 20,000 एप्लीकेशंस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। और कश्मीर की बात करें जहां एक सेपरेट वुमन बटालियन होगी और जम्मू के लिए अलग वुमन बटालियन होगी, और कश्मीर की वुमन बटालियन में जो बात करें हम, आज यहां पर फिजिकल टेस्ट हो रहा है और करीबन 1500 से 2000 के बीच में लड़कियां जो कश्मीर की विभिन्न इलाकों से यहां पर पहुंची है अपना फिजिकल टेस्ट दे रही हैं। और इन लड़कियों में कहीं ना कहीं जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जिससे भी बात हुई उसको कहना है कि उसका सपना था जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल होना और वह अपना भविष्य जो है कहीं ना कहीं सवाल। जम्मू और कश्मीर के लिए बनने वाली दो महिला बटालियन के लिए जारी फिजिकल टेस्ट में शामिल होने दक्षिण कश्मीर से 2000 से ज्यादा लड़कियां पहुंची। ये दिखाता है कि घाटी की बेटियों में अपने पैरों पर खड़े होने का जज्बा, देश की सेवा करने का जज्बा कितना गहरा है। शौक था अपने को मतलब मुल्क की खिदमत करना, लॉयल से लॉयल रहना, तो सही है हमारे लिए, हमें मौका मिला है देश की सेवा करने के लिए। कोविड महामारी के कारण 2019 में शुरू हुई भर्ती की यह प्रक्रिया काफी दिनों तक टलती रही। अधिकारियों के मुताबिक घाटी की लड़कियों में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल होने के लिए जोश नजर आ रहा है।
आज कश्मीर प्रोविंस के तीन दिन का हमने टाइम दिया था, पहले दिन सेंट्रल कश्मीर, फिर सेकंड डे नॉर्थ कश्मीर, आज साउथ कश्मीर की जो फोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी भर्ती का जो है यहाँ पे सिलसिला जो है वो चल रहा है, ये इसकी पहली स्टेज है। इसके बाद इसकी सेकंड स्टेज में रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाएगा, जो कि हम लोग जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारी लड़कियाँ जो हैं इनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सके। जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल होकर अपने परिवार का नाम रोशन करने का जज्बा तो इन बेटियों में है ही, ये अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार की मदद भी करना चाहती हैं। सर हमारा बैकग्राउंड मतलब अच्छा नहीं है, जो मतलब मेरा फादर है वो मजदूरी करता है और हम चार बहनें हैं, तो मतलब हम ये यहाँ पे इस सोच से आए हैं ताकि मतलब अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट हुए तो मतलब खुद भी कमा सकते। जिस दौर में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल होने के लिए ये बेटियां पसीना बहा रही हैं, उसी वक्त कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में भी तेजी आई है। कश्मीर में एक पूर्व एसपीओ और उसके परिवार की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, लेकिन ऐसी आतंकी वारदातें भी वर्दी पहनने का जुनून लेकर यहाँ पहुंची कश्मीर की बेटियों को डरा नहीं सकती। हम अपने डिपार्टमेंट के साथ लॉयल से लॉयल रहेंगे, वो क्या कम है, फिर कौन सा डर रहेगा। हमारे लिए है भी ये, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डिफेंस। तो हमने एक्चुअली 2019 में भरा था जिसके अचानक से निकल गया, आई मीन दो तीन साल बाद निकला है, तो हमें कोई टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन वगैरह के लिए। तो मतलब सही है हमारे लिए, हमें मौका मिला है बिकॉज नेशन के लिए कुछ करना है, नेशन को सर्व करना है, तो डरना नहीं है बस। साफ है कश्मीर की इन बेटियों ने अपनी राह चुन ली है। कश्मीर की बेटियां तिरंगे के साए में अपने उज्जवल भविष्य को देख रही हैं। 1300 पदों के लिए 18,000 से 20,000 लड़कियों ने आवेदन किए हैं, इनमें से कुछ के सपने साकार होंगे तो कुछ रेस में पीछे छूट जाएंगी। लेकिन अपने सपने के पीछे जिस तेजी से कश्मीर की बेटियां कदम बढ़ा रही हैं, इनका ये जज्बा नए कश्मीर के सपने को भी साकार करेगा। ये कोशिश है कि जो लोगों तक आउटरीच है, लोगों तक पहुंचने की, और ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी है उस तक पहुंचने की, उसे एंगेज करने की और उसे एक अच्छा भविष्य देने की, और उम्मीद की जा रही है कि इस बदलाव से आने वाला जो जम्मू कश्मीर होगा वो सुनहरा होगा। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।